रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदेहं गुरु परंपरा। सर्वेभ्यो भूयांसी नमांसी। आप सभी का स्वागत है श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा समायोजित रामायण एवं व्यक्तित्व विकास इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के इस व्याख्यान सत्र में, इस ज्ञान सत्र में। आज हमारा इस ज्ञान सत्र का 22वां व्याख्यान होने जा रहा है और इस विषय को प्रदान करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर पंकज कुमार रावल जी। आपके इससे पहले भी बहुत 3 व्याख्यान इस ज्ञान सत्र में हो चुके हैं और सभी प्रतिभागी आपके व्याख्यान का श्रवण करने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। तो आज जो विषय है वह बड़ा एक अद्भुत विषय है, रामायण में गुरु शिष्य संबंध। हमें जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान की जो हमारी परंपरा है वह गुरु शिष्य परंपरा से ही हमें प्राप्त होती रही है और इसलिए जो हमारी ज्ञान परंपरा है वह अनादि काल से इस गुरु शिष्य परंपरा से अनविच्छिन्न रूप से हमें प्राप्त होती रही है। तो वाल्मीकि रामायण में आज माननीय पंकज महोदय किस प्रकार से गुरु शिष्य का संबंध है वह किस प्रकार से निरूपित है और हमें अपने जीवन में भी किस प्रकार से गुरु शिष्य का जो संबंध है और उस संबंध का हमें पालन करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, किस प्र कैसा शिष्य हो, कैसा गुरु हो, गुरु का गुरुत्व, शिष्य का शिष्यत्व, बड़ा इनका अच्छा इस विषय में माननीय पंकज महोदय का अच्छा अनुभव भी है और उनका जो शास्त्रीय ज्ञान है उस शास्त्रीय ज्ञान का भी लाभ हमें मिलता रहता है। मैं फिर से एक बार माननीय पंकज महोदय का स्वागत करता हूँ। यहाँ जितने भी प्रतिभागी उपस्थित हैं आप सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और माननीय पंकज महोदय से निवेदन करता हूँ कि आज का जो विषय है उस विषय को हमारे सामने प्रस्तुत करके हमें लाभान्वित करें। माननीय पंकज महोदय। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च सचरणश्रवणत्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम श्रद्धेयः परम पूज्याः प्रभास तीर्थस्य अधिष्ठाता स्वरूपः भगवन्तः श्री सोमनाथ चरणाः, भगवन्तः पुराण पुरुषोत्तमः, रघुवंश कुलोत्पन्नः भगवन्तः श्री रामचन्द्रः, शास्त्रानुरागिणः, संस्कृतानुरागिणः, रामायणानुरागिणः, भवन्तः सर्वे सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री रामचंद्रस्य परमानुग्रहेण तथा च श्री
गुरु शिष्य परंपराया अनुकंपया अद्य पुनरेकवारम अस्माभिः रामायण द्वारा व्यक्तित्व विकास एतस्यां यात्रायां अद्य रामायण संदर्भे गुरु शिष्ययोः संबंधः इत्यस्मिन् विषये संवाद क्रियते। शास्त्रात्मिका रामायणात्मिका च अस्माभिः चर्चा क्रियते। एतदस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवतां सर्वेषां हृदिस्थितं परमात्मानं नत्वा अहं धन्यताम् अनुभवामि। पुनश्च सत्रेस्मिन् संयोजकवर्यान् नत्वा साक्षात् विषयप्रवेशं करोमि। रामायण द्वारा व्यक्तित्व विकास इस विषय के अंतर्गत आज हमें रामायण में गुरु शिष्य संबंध इस शीर्षक से शास्त्र संवाद करने का और रामायण महाकाव्य को और आदि काव्य को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का परमात्मा ने और गुरु शिष्य परंपरा ने आज हमें एक यह अद्भुत अवसर दिया है। इसलिए हम परमात्मा के भी ऋणी हैं और अवसर प्रदान करने वाले संयोजकों के भी हम ऋणी हैं। विषय अत्यंत अद्भुत है। भारतीय सनातन संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में गुरु शिष्य संबंध के विषय में कुछ बोलना, न केवल बोलना लेकिन अनुभूति करना, यह एक अत्यंत परम पावन सौभाग्य का विषय माना जाता है। क्योंकि कैलाश पर्वत से भगवान शंकर और पार्वती से शुरू हुई यह गुरु शिष्य परंपरा आज के इस भीषण कलिकाल में हमें गुरु शिष्य परंपरा का विशेष रूप से परिचय करवाता है। शुरू हुई है कैलाश पर्वत से यह गुरु शिष्य परंपरा। बीच में त्रेता युग में भगवान श्री राम के काल में भी गुरु शिष्य परंपरा या गुरु शिष्य संबंध कैसा था इसका दर्शन करते करते हमें कलिकाल तक पहुंचना है और गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हमें व्यक्तित्व विकास की ओर आगे बढ़ना है। व्यक्तित्व विकास की अहम कड़ी कही जाए ऐसी यह एक श्रृंखला है, ऐसा यह एक विषय है। व्यक्तित्व के विकास में गुरु शिष्य संबंध का भी एक महत्वपूर्ण स्थान, मान, पद प्रतिष्ठा और गौरव रहा है। भारतीय सनातन संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में यह बात हम अवश्य कह सकते हैं, आत्मविश्वास से कह सकते हैं, श्रद्धा पूर्वक कह सकते हैं और हमारी जितनी भी संस्कृत जगत में यात्रा रही है इस यात्रा में गुरुजनों ने जो कृपा बरसाई है, गुरुजनों ने जो एक उदात्त संबंध प्रस्थापित किया है अपने शिष्यों के साथ, इस पीढ़ी का एक प्रत्यक्ष साक्षी रहते हुए मैं अवश्य ये बात कह सकता हूँ कि यदि कलिकाल में भी गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े रहने से, गुरुकुल पद्धति से पढ़े रहने से शास्त्र का, विद्या व्यासंग का सौभाग्य हमें मिला हो और इतनी धन्यता का अनुभव हो रहा हो तो हमें यह धन्यता को आत्मसात करते हुए अवश्य यह बात सोचनी चाहिए कि रामायण के काल में भगवान श्री राम ने वशिष्ठ ऋषि के पास, विश्वामित्र ऋषि के पास जो अपना गुरु शिष्य संबंध निभाया होगा, गुरुजनों ने जो कृपा की होगी वो कैसी रही होगी। अद्भुत प्रसंग है, कहते वक्त हमें रोमांच भी होता है और धन्यता का बार बार अनुभव भी होता है। गुरु शिष्य संबंध के विषय में वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में कुछ कहना हो तो सबसे पहला पात्र हमारे लिए स्वयं श्री वाल्मीकि जी मुनि है, स्वयं वाल्मीकि मुनि है। क्योंकि
गुरु शिष्य संबंध से ही यह रामायण जैसा दिव्य और भव्य आदि काव्य आदि ग्रंथ हमें मिला। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को कहा हो या देवर्षि नारद ने वाल्मीकि मुनि को यह प्रेरणा दी हो और गुरु शिष्य का संबंध निभाना शुरू किया हो, यह भी हम देख सकते हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी से शुरू हुई यह यात्रा में भगवान श्री राम के पूरे वंश को हम देखें, भगवान श्री राम की जो भी कुल परंपरा रही है पूरे रघुवंश को हम देखें, तो हम वशिष्ठ ऋषि को नहीं भूल सकते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने रघुकुल के साथ जो संबंध निभाया है, उस संबंध निभाने में रघुवंश ने वशिष्ठ ऋषि को क्या दिया है यह तो पता नहीं है, लेकिन वशिष्ठ ऋषि ने रघुवंश को बहुत कुछ दिया है। राजा दिलीप की अपनी पत्नी के साथ नंदिनी गाय की सेवा करके जो पुत्र प्राप्त करने का व्रत जो दिया गुरु जी ने, और उस व्रत का जो दिलीप राजा ने अच्छी तरह से पालन किया, यह भी हम कह सकते हैं कि रघुकुल की रीत, रघुकुल की परंपरा यदि चली है तो वो गुरु शिष्य संबंध के कारण ही चली है। यदि रघुवंश के पास वशिष्ठ जैसे गुरु न होते तो आज भगवान राम के विषय में हम चर्चा करने के लिए उपस्थित न हुए होते, ना आप श्रोता के रूप में होते ना हम वक्ता के रूप में होते। यह भव्य और दिव्य परंपरा है, यह भव्य और दिव्य संबंध है। मैं तो अत्यंत जागृत अवस्था में रहकर यह बात कहने जा रहा हूं कि भारतीय सनातन संस्कृति के पास गुरु शिष्य संबंध जो है वो इतना अद्भुत है, इतना परोपकारी है, इतना सनातन संस्कृति को कुछ देने वाला संबंध है। वैसे तो संबंध का अर्थ ही यही होता है कि जिसमें कुछ देना होता है। लेने की बात संबंध में नहीं आती है, लेने की बात, देने की बात व्यवहार में आती है। यहां विषय रखा है रामायण में गुरु शिष्य संबंध। तो संबंध शब्द को समझे तो भी हमें पता चलता है कि जिसमें देने की बात ही आती है। अब देने की बात आती है तो, और गुरु शिष्य और दो हमारे पास पात्र है, दोनों पात्र एक दूसरे को क्या दे सकते हैं, इसी बात पर अगर इस पूरे विषय को चर्चा में लाया जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। हमारे पास रामायण के संदर्भ में ऐसा बहुत कुछ है जिसको ध्यान में रखकर, जिन उदाहरणों को देखकर हम गुरु शिष्य संबंध को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इतना अद्भुत विषय है, हालांकि यह विषय 1 घंटे में समाप्त करना यह भी पर्याप्त नहीं है, और इस विषय पर बोले ही रहना, बोलते ही रहना यह भी पर्याप्त है। यह महसूस करने की बात है, अनुभूति की बात है, आत्मसात करने की बात है, आचरण में लाने जैसी बात है। ऐसा यह विषय है रामायण में गुरु शिष्य संबंध। तो गुरु भी देना चाहता है संबंध, माने जिसमें देने की बात ही करनी हो उसे संबंध कहते हैं। लेना और देना यह तो व्यवहार है, केवल देना यह संबंध है। चाहे आपके पास जो भी कुछ हो आप देते रहिए, बस जो भी है आपके पास आप देते रहिए। वशिष्ठ ऋषि ने यही किया है। मुझे पता नहीं है कि रघुवंश उसने वशिष्ठ ऋषि को क्या दिया, लेकिन मैं अवश्य यह कह सकता हूं संस्कृत भाषा का अभ्यासु होने के नाते, छात्र होने के नाते, कि वशिष्ठ ऋषि ने रघुवंश को बहुत कुछ दिया है। विश्वामित्र ऋषि ने रघुवंश को बहुत कुछ दिया है। आज रघुवंश की जो यश पताका है, जो यश कीर्ति है, इसके मूल में हम जाएंगे तो केवल एक चीज ही हम पाएंगे और वो है गुरु शिष्य संबंध। बात कर रहे थे हम विश्वामित्र ऋषि की। विश्वामित्र ऋषि के बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन जब देवर्षि नारद जी की प्रेरणा मिली या ब्रह्मा जी का आदेश मिला रामायण प्रणयन करने का, रामायण की रचना करने का, क्रौंच युगल तो एक निमित्त है। इतने बड़े काव्य को अस्तित्व में लाना हो तो प्रकृति का भी कुछ सहारा चाहिए, प्रकृति की कुछ घटना भी उसमें निमित्त होनी चाहिए। इसके कारण हम कहते हैं मां निषाद प्रतिष्ठात्म अगम शाश्वती समा,
यत्रोंच मिथुनादेकम अवधिक काम मोहितम। तो यह तो एक निमित्त है, लेकिन इस प्रसंग से, इस घटना से महर्षि वाल्मीकि जी के हृदय में जो रामायण ग्रंथने का ग्रथन करने का, रचने का यह जो एक बीज अंकुरित हुआ, इसके पीछे तो केवल देवर्षि नारद जी है, केवल ब्रह्मा जी है। और वो ब्रह्मा जी और वो देवर्षि नारद दोनों पिता पुत्र मिलकर, हालांकि देवर्षि नारद जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, लेकिन पिता पुत्र दोनों मिलकर भारतीय सनातन संस्कृति को एक अद्भुत ग्रंथ मिले, एक अद्भुत काव्य मिले, एक ऐसा अद्भुत चरित्र मिले जो पवित्र हो और इस राह में मनुष्य को जीवन जीने के लिए कोई एक अच्छा मार्गदर्शन करे, समय समय पर मार्गदर्शन करे, न केवल त्रेता युग पर सीमित रहे। द्वापर में भी रामायण ने बहुत कुछ दिया है युधिष्ठिर को। हम महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें भी रामोपाख्यान आता है, युधिष्ठिर जी भी राम कथा पूरी सुनते हैं। तो रामायण द्वापर युग में भी युधिष्ठिर को आशीर्वाद रूप बना, कलिकाल में भी हमारे लिए आशीर्वाद रूप है। वैसे राम का चरित्र ही पवित्र है ऐसा नहीं है, लेकिन उनको गुरु ऐसे मिले हैं, इसलिए आज राम पूजे जाते हैं। राम की जो पूजा हो रही है, राम का जो सत्कार हो रहा है, राम का जो बहुमान हो रहा है, राम राज्य की जो गाथा गाई जा रही है, इसके पीछे हम देखें, सोचे, इसकी जड़ में जाए, इसकी मूल में जाए, तो हमें पता चलता है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे गुरु मिले हैं, तब जाके राम की पूजा हो रही। अवश्य यह हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए। विश्वामित्र ऋषि के पास बहुत सारी विद्याएं थी। गुरु का कार्य है अपने पास जो वो जो हो वो देना है, तो विद्या है तो विद्या देना है, ज्ञान है तो ज्ञान देना है। वाल्मीकि मुनि जी के पास भी बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उनके एक शिष्य बहुत चहेते थे। हम पूरी हमारी गुरु शिष्य परंपरा देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि पहले से ये परंपरा चली आई है कि गुरु के पास जितने भी शिष्य पढ़ने गए हो उसमें कोई ना कोई शिष्य तो ऐसा रहता है जो गुरु को अत्यंत प्रिय होता है। बहुत सारे शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु को कोई शिष्य अति प्रिय होता है, लेकिन बहुत सारे शिष्य ऐसे होते हैं जिन्हें गुरु अति प्रिय होते हैं। तो गुरु एक ही पात्र है, शिष्य बहुत सारे हैं, लेकिन जब गुरु से पूछा जाए कि आपके पास इतने सारे छात्र पढ़े लेकिन आपको कौन प्रिय है, तो वाल्मीकि जी मुनि कहते हैं कि मुझे भरद्वाज प्रिय है। हालांकि वो आगे जाके रघुकुल की सेवा भी करते हैं, लव और कुश को भी पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ एक बात अत्यंत ध्यातव्य है, अत्यंत सावधान होकर सुनने जैसी बात है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने लव कुश को रामायण का जो ज्ञान दिया है, या न केवल लव कुश को पढ़ाया है अपितु अयोध्या नगरी के पर उपकार किया है। वाल्मीकि मुनि चाहते थे इन दोनों शिष्यों के माध्यम से आगे जाके राम राज्य कैसा हो, यह मैं एक प्रस्थापित करना चाहता हूं। लव कुश को पढ़ाने के पीछे का हार्द क्या है? महर्षि वाल्मीकि जी ने लव कुश को रामायण क्यों पढ़ाया, या तो अपने आश्रम में सीता को स्थान देकर क्यों पढ़ाया, क्या जरूरत थी? जरूरत यह थी कि किसी चीज में भगवान श्री राम भी पूर्ण रूप से, हालांकि वो मर्यादा पुरुष ही है, लेकिन उनकी भी कुछ मर्यादा रही है। महर्षि वाल्मीकि जी चाहते थे कि राम के राज्य में भी यदि सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़े तो ऐसे अयोध्या की और ऐसे राम राज्य की मुझे कल्पना नहीं है। इसीलिए समाज को शिक्षित करने के लिए, अयोध्या वासियों की चिंता करने के लिए लवकुश के माध्यम से उन्होंने जगत को यह पढ़ाया कि आगे जाके ये लवकुश वाली परंपरा किसी सीता की अग्नि परीक्षा न करे। यह गुरु शिष्य संबंध है। वाल्मीकि मुनि को पढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? रघुकुल को क्या पढ़ाते थे? तनख्वाह ज्यादा देते थे? पगार ज्यादा मिलती थी वाल्मीकि मुनि को रघुकुल से? ऐसा नहीं था। वशिष्ठ ऋषि को तनख्वाह ज्यादा मिलती थी? ऐसा नहीं था। सिक्स पे, सेवन पे, पगार पंच की चर्चा वहां नहीं होती थी, क्योंकि वो भारतीय सनातन संस्कृति को ध्यान में रखकर केवल समाज पर उपकार करने के आशय से ही गुरु जी पढ़ाते थे। गुरु शिष्य संबंध यह है।
जिस संबंध में गुरु केवल अपने छात्र को अपने पास रही हुई सारी विद्या को देना चाहता है और शिष्य भी अपनी सत्पात्रता से लेना चाहता है, ऐसे ही लेना नहीं चाहता है। हमारे यहाँ शास्त्र की एक मर्यादा रही है, अपात्राय न देयम् यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति। मोह से कभी किसी विद्या को संक्रमित नहीं करना चाहिए, किसी छात्र को मोहवश नहीं पढ़ाना चाहिए। उसमें पात्रता हो तो विद्या देनी है, पात्रता न हो तो पहले उसमें पात्रता आए ऐसा कुछ करना है और पात्रता आने के बाद उस विद्या का संक्रमण करना है। इस संदर्भ में हमें धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ समय समय पर हमें मार्गदर्शन करते हैं। केवल हमें यह समझना है, क्या समझना है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने लव कुश में वो पात्रता आए इस कारण सीता माता जब गर्भवती थी तभी अपने आश्रम में स्थान देकर पहले से ही गर्भाधान संस्कार से लेकर पुंसवन संस्कार से लेकर जात कर्म संस्कार से लेकर वेदारंभ तक उनको ले गए। कर्णवेद आदि जो भी हमारी संस्कार परंपरा रही है उन सारी संस्कारों की परंपरा का उन्होंने निर्वाण किया है। हम रामायण पढ़े तो हमें पता चलता है महर्षि वाल्मीकि ने लव कुश पर समय समय पर सब संस्कारों को संस्कारित किया है धर्मशास्त्र के हिसाब से। तो केवल भरद्वाज उनके शिष्य थे और उनके पास ही वो विद्या का संक्रमण करते थे, उनको देते थे, ऐसा नहीं था। लव कुश को पढ़ाने का एक निश्चित आशय था। क्या आशय था? कि लव कुश के माध्यम से ताकि आप रामायण देखें आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा? कि महर्षि वाल्मीकि जी ने लव कुश को रामायण पढ़ाने के बाद सबसे पहला कार्य क्या किया है, वो पूरी की पूरी रामायण उन्होंने सबसे पहले अयोध्या वासियों को सुनाई है। अयोध्या वासी जब सुनते सुनते रोने लगे, उनकी आत्मा जो जग गई, तब जाके भगवान राम तक ये संदेशा पहुंचा और भगवान राम ने अपनी सभा में लव और कुश को बुलाया और भगवान राम ने भी उस रामायण को सुना। महर्षि वाल्मीकि जी यह चाहते थे कि मेरे छात्रों के द्वारा, मेरे लव कुश के द्वारा, मेरे शिष्य के द्वारा मैं अयोध्या वासियों को जगाऊं ताकि उनको कुछ पश्चाताप महसूस हो और आगे जाके यह जो क्षति हुई है सीता के विषय में भगवान श्री राम के द्वारा, इस क्षति का पुनरावर्तन न हो। गुरु शिष्य संबंध यह है। हालांकि गुरु ने कहीं अपने शिष्य को लव कुश को नहीं बताया कि मैं इस कारण से आपको रामायण पढ़ा रहा हूं। लव कुश ने भी कभी नहीं पूछा है कि हम इस किस कारण से आपके पास पढ़ रहे हैं और हम पढ़ाने के बाद आप हमें अयोध्या में जाकर क्यों इस तरह से रामायण का गान करवाते हैं। शिष्यों ने भी नहीं पूछा है। लेकिन पढ़ाते वक्त गुरु अवश्य पात्रता देखते हैं, लेकिन पढ़ते वक्त गुरु का सान्निध्य प्राप्त करना हो तो शिष्य के पास केवल दो ही ऐसी क्रिया है कि जिस क्रिया के माध्यम से वो गुरु से उत्तम विद्या प्राप्त कर सके। उसमें एक है सेवा और दूसरा कहा गया है भिक्षाटन का व्रत। हालांकि इस वर्तमान परिस्थिति में तो इसकी आवश्यकता नहीं है कि गुरु के कारण शिष्यों को समाज में जाकर भिक्षा मांगना पड़े, भिक्षाटन करना पड़े और वो भिक्षा लाके गुरुजी के पास समर्पित करे और उस भिक्षा में से फिर गुरुजी अपने छात्रों को कुछ दें भोजन के लिए। वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि छात्र जो है वो समाज में जाकर भिक्षा मांग के आते हैं जो कुछ भी अन्न मिलता है, क्योंकि अन्न पकाने में, उत्पन्न करने में, बनाने में, वो सब कार्य करने में ही हमारा विद्या का समय ना निकल जाए, इसलिए वो समाज के पास जाते थे, भिक्षा मांगते थे। सामाजिक लोग भी भिक्षा देते थे, लाके गुरुजी के समक्ष समर्पित कर देते थे, गुरुजी उसमें से अपने छात्र को उनकी पाचन शक्ति के हिसाब से बांटते थे। किसी छात्र को न दे तो छात्र ये नहीं कहता था कि गुरुजी आपने मुझे क्यों भोजन नहीं दिया, वो छात्र ये समझता था कि आज गुरुजी मुझसे उपवास करवाना चाहते हैं इसलिए मुझे भिक्षा नहीं दी है, हालांकि मैं ही मांग कर लाया हूँ और गुरुजी ने मुझे ही नहीं परोसा है, मुझे ही नहीं अन्न दिया है, मुझे ही भोजन नहीं दिया है। लेकिन फिर भी वो छात्र बोलता नहीं था, कहता नहीं था कि मुझे क्यों नहीं दिया गुरुजी। वो छात्र समझ जाता था कि गुरुजी आज मुझसे उपवास करवाना चाहते हैं, आज मेरा अनशन व्रत है, और फिर भी वो छात्र गुरुजी की अच्छी तरह से सेवा करता था। तो गुरुजी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य को तो एक ही काम करना होता है, गुरु शुश्रूषया विद्या, उनकी सेवा करें।
अब सेवा के विषय में हम अधिक नहीं जाएंगे कि किस तरह से सेवा करनी है। सेवा माने सेवा, हालांकि शिष्य शब्द का अर्थ यही होता है। हमारे यहाँ शिष्य शब्द का अर्थ यह किया गया है कि गुरु के लिए अपना शीश भी, मस्तक भी समर्पित करने के लिए तैयार हो जाए। केवल मस्तक झुकाना, केवल प्रणाम करना, प्रणिपात करना यहां तक सीमित नहीं है। गुरु जी के लिए यदि शीश देना पड़े तो भी वो देने के लिए जो तैयार है वो शिष्य है। हालांकि आज तक गुरु जी ने किसी शिष्य से शीश नहीं मांगा है। हाँ, अंगूठा अवश्य मांगा है एकलव्य के पास, लेकिन गुरु शिष्य संबंध में हमें यह समझना है कि शिष्य अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए सज्ज हो। सब कुछ समर्पण कर देना, सर्वस्व अर्पण कर देना। हालांकि राजा बलि ने भी भगवान वामन के पास सर्वस्व अर्पण कर दिया, कुछ अपना नहीं रखा, ताकि उस पर वो स्वाभिमान कर सके। हाँ, मैंने अभी तक गुरु जी को ये नहीं दिया है, या तो गुरु जी ने अभी तक मेरे पास ये नहीं मांगा है, ऐसा नहीं, सब कुछ दे दिया। सर्वस्व समर्पण कर देना वो शिष्य का सबसे बड़ा सेवा धर्म है। और गुरु जी कुछ चाहते नहीं है, लेकिन सर्वस्व समर्पण करके जब गुरु प्रसन्न होते हैं और बाद में जो वो विद्या देते हैं, और उस विद्या से शिष्य यह समझता है कि मैंने अपना अस्तित्व गुरु को समर्पण कर दिया और गुरु को मैंने सुखी कर दिया। लेकिन गुरु उस बदले में जो विद्या देता है, जो ज्ञान देता है, जो एक आत्मविश्वास देता है, जो शास्त्र परंपरा से जुड़ी हुई रहस्यात्मक बातों को बताता है, वो बातें शिष्यों का कल्याण केवल इस लोक में ही करता है, ऐसा नहीं है, परलोक में भी उसका कल्याण हो जाता है। हालांकि शिष्य को, छात्र को इस मानव देह में सामान्य रूप से, स्थूल रूप से यह दिखाई नहीं देता है, लेकिन परोक्ष में गुरु अवश्य चाहते हैं कि इस शिष्य ने मेरे लिए इतना कुछ अर्पण किया है, तो इसके लिए तो मुझे यह विद्या अवश्य देनी है। आप रामायण में बालकांड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, विश्वामित्र ऋषि ने भगवान राम और लक्ष्मण को बला और अति बला जैसी विद्या दी है, बला और अति बला जैसी विद्या दी है। हमें प्रश्न होता है कि यह बला और अति बला विद्या क्या है, तो विश्वामित्र ऋषि के पास वो जब पढ़ने गए बाल्यावस्था में, तो वशिष्ठ ऋषि के पास, तो वशिष्ठ ऋषि ने उनको शास्त्र विद्या पढ़ाई, लेकिन विश्वामित्र ऋषि ने न केवल शास्त्र पढ़ाए अपितु शास्त्र विद्या भी पढ़ाई। मूल में जाए तो भी हमें पता चलता है वशिष्ठ ऋषि तो ब्रह्मर्षि थे और विश्वामित्र ऋषि जो थे वो राजर्षि थे, राजा होते हुए भी ऋषि थे, वो ब्रह्म क्षत्रिय थे। ब्रह्म विद्या तो थी ही थी विश्वामित्र ऋषि के पास, लेकिन क्षात्र विद्या, क्षत्रिय विद्या, शस्त्र विद्या भी उनके पास थी। वो विश्वामित्र ऋषि जब राजा दशरथ के पास आकर अपने दोनों पुत्रों को मांगते हैं, तब राजा दशरथ पुत्र मोह में व्याकुल होते हुए कहते हैं, नहीं, मैं अपने पुत्र नहीं दूंगा। अभी अभी तो वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से पढ़कर आए हैं और भगवान राम का, मेरे पुत्र राम का मैं वियोग ज्यादा नहीं सह सकता हूं, आप कृपया मेरे पास जो कुछ भी वो सब मांग ले, लेकिन राम को मत मांगो। ऐसा जब दशरथ कहते हैं, तब उस वक्त वहां वशिष्ठ आते हैं और वो वशिष्ठ ऋषि आकर जो बोलते हैं ना, वो वचन सुनने जैसे रामायण में। वो कहते हैं कि ये जो विश्वामित्र आपके पास पुत्र की याचना करने के लिए आए हैं, यज्ञ की रक्षा करने के लिए पुत्र मांग रहे हैं, तो उनके उनके पास सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, बल और शौर्य नहीं है, ऐसा नहीं है। ये परम तपस्वी है, ये परम ज्ञानी है, ये न केवल आपके पास पुत्र मांग रहे हैं, लेकिन आपकी यश और कीर्ति को दस दिक्षु, सारी दिशाओं में, दिग्दिगंत में आपकी यशपता का प्रसृत हो, इस आशय से वो आए हैं। और यहाँ कहते हैं, हमें दो तीन श्लोकों का भी आश्रय लेना, इसलिए हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं, दशरथ से कह रहे हैं, विश्वामित्र के विषय में कह रहे हैं। कहते हैं, तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्या भी याचते। ये स्वयं विश्वामित्र आकर आपके पास अपने पुत्र मांग रहे हैं, तो केवल ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं, कौशिक गोत्र में उत्पन्न हुए, या तो कुशिका नाम की नदी के तट पर जिनका जन्म हुआ है, ऐसा गाधी सूत, विश्वामित्र ऋषि की माता का नाम है गाधी, गाधी सूत, ऐसे विश्वामित्र जो आपके पास आए हैं और पुत्र मांग रहे हैं, वो केवल आपके पुत्र का नहीं अपितु पूरे विश्व का कल्याण करना चाहते, इसलिए वो पुत्र मांगने आए, आप दे दीजिए।
आप विश्वामित्र के पराक्रम को नहीं जानते हैं, उनकी ब्रह्मनिष्ठ शक्ति को आप नहीं जानते हैं। और दशरथ राजा को वशिष्ठ ऋषि की बात का तुरंत विश्वास हो जाता है। विश्वामित्र का तेज और पराक्रम दशरथ नहीं जानते थे, लेकिन उनके कुल गुरु होने के नाते दशरथ राजा इतना अवश्य जानते थे कि वशिष्ठ ऋषि कुछ कहते हैं तो अवश्य कुछ उसमें तथ्य होता है, कुछ सार होता है, कुछ उसमें रहस्य होता है। तो इन सारी बातों को सुनकर राजा दशरथ ने अपना मन मक्कम करते हुए अपने दोनों पुत्र वशिष्ठ ऋषि को दे दिए। वशिष्ठ ऋषि तमसा नदी के तट पर ले जाकर, यहाँ कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, क्या कहते हैं कि तमसा नदी के तट पर ले जाकर अयोध्या से थोड़े दूर जाकर, हाँ तमसा नदी के तट पर नहीं, सरयू नदी के तट पर ले जाकर विश्वामित्र ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं तुरंत, क्योंकि जानते हैं कि राम और लक्ष्मण दोनों सत्पात्र हैं, बाल्यावस्था में वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पढ़े हैं, अब उनमें मुझे पात्रता का निर्माण नहीं करना है, मुझे जो देना है वो तुरंत दे देना है, इसमें ज्यादा मुझे समय व्यतीत नहीं करना है। ऐसा सोचते हुए तुरंत कहते हैं विश्वामित्र ऋषि राम और लक्ष्मण से कहते हैं, मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलामति बलाम तथा न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः। मैं आपको बला और अतिबला विद्या देना चाहता हूँ, ये बला और अतिबला विद्या क्या है? तो विश्वामित्र ऋषि भगवान श्री राम से और लक्ष्मण से कहते हैं, इन दोनों विद्या से आपका रूप तो अद्भुत रहेगा ही, लेकिन आपका स्वरूप भी अद्भुत रहेगा। आप नींद में होंगे तो भी आपके पर कोई प्रहार नहीं कर सकेगा, सोते समय भी आप असावधान नहीं रह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आपके पर आक्रमण नहीं कर सकता है। इस धरातल पर जब तक आपके पास यह विद्या है, कोई भी बलिष्ठ व्यक्ति आपके पर आक्रमण करके विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसी यह विद्या है। हे रघुकुल नंदन राम, ये बला और अतिबला विद्या का अभ्यास करने से तीनों लोकों में आपकी यश पताका का जय जय घोष होगा, डिम डिम घोष होगा, ऐसा कहते हैं। कोई आपको परास्त नहीं कर सकता है, आपका सौंदर्य, आपका सौभाग्य, आपका चातुर्य, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपको प्रश्न देने के लिए जो प्रत्युत्पन्न मति चाहिए, ये प्रत्युत्पन्न मति, ये सारी बातें आपको बला और अतिबला विद्या से प्राप्त होगी। कहने का आशय इतना ही है कि विश्वामित्र ऋषि ने बला और अतिबला विद्या के नाम को आगे रखकर राम और लक्ष्मण को सब कुछ दे दिया, और गुरु जाते जाते अपने शिष्य को, अपने छात्र को वो सब कुछ इसलिए देना चाहता है क्योंकि स्वयं पढ़ने वाला गुरु, स्वयं पढ़ाने वाला गुरु, वो भी किसी अपने गुरु के ऋण में होता है, और उस ऋण से मुक्त होने के लिए हमारे यहाँ यही कहा गया है कि मैंने अपने गुरु जी से जो पढ़ा है वो मैं किसी सत्पात्र को, सत्शास्त्र को, सत्छात्र को देकर न जाऊं तो मैं अपने गुरु के ऋण में से कभी मुक्त नहीं होता हूँ। स्वयं गुरु अपने गुरु के ऋण में से मुक्त होने के लिए किसी छात्र को ये सारी की सारी विद्या संक्रमित करके देकर जाता है, और देकर जाने को ये सोचता है, और तब तक वो व्याकुल रहता है कि मुझे परमात्मा कृपा करके ऐसा कोई पात्र दे ताकि उस पात्र में ये सारी की सारी विद्या में संक्रमित करके जा सकूं और अपने गुरु के ऋण में से मैं मुक्त हो सकूं। हालांकि वशिष्ठ ऋषि को और विश्वामित्र ऋषि को ऐसे ऋण में से मुक्त होने का कतिपय आशय नहीं था, लेकिन हमारी परंपरा कहती है कि आपके पास जो विद्या है वो विद्या आप जब तक किसी पात्र को देकर नहीं जाते हैं तब तक आपके पास चाहे कितनी भी विद्या क्यों ना हो आप मुक्त नहीं होते हैं जन्म मृत्यु के चक्र में से। लेकिन समय समय पर छात्र को अपने गुरु के पास आकर सेवा करके इस विद्या का ग्रहण करना होता है। वाल्मीकि रामायण में हालांकि ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, वशिष्ठ ऋषि रघुकुल को जो पढ़ाते हैं और जो देते हैं, विश्वामित्र जो देते हैं, वाल्मीकि स्वयं रघुकुल का आगे का संचालन कर सके ऐसे अद्भुत दो पराक्रमी राजा देते हैं लवकुश के रूप में। और आप एक बार आद्योपांत बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक पूरी रामायण पढ़िए, और पढ़ते पढ़ते आपको कहीं भी ऐसा लगे कि रघुवंश में या किसी राजा ने आश्रम में रहने वाले किसी ऋषि को ये दे दिया और न्याल कर दिया, कहीं आपको नहीं मिलेगा। गुरु और शिष्य समाज को जो दे सकता है वो और कोई संबंध नहीं दे सकता, इतना मेरा अवश्य आत्मविश्वास पूर्ण रूप से मानना है। गुरु शिष्य संबंध जो समाज को दे सकता है, इतना समाज को और कोई नहीं दे सकता है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, चाहे आप संगीत के क्षेत्र में जाए, गुरु शिष्य परंपरा से जो मिलता है
राजनीति में चले जाएं, शिक्षण जगत में तो हम है ही, इसलिए हम इस विषय पर ज्यादा चर्चा करना नहीं है ताकि हम समझते हैं, लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे आपको पता चलेगा। आप पाश्चात्य देश में चले जाएं, अरस्तु, अरस्तु का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का शिष्य सिकंदर, वो सिकंदर विश्व युद्ध करके विश्व विजेता बन के यहाँ से जाता है, तब भी वो नालंदा विश्वविद्यालय से प्रभावित होकर जाता है और यहाँ से जाने के बाद अपने गुरु के चरण में अपना मस्तक समर्पित कर देता है कि गुरु जी आपने मुझे जो कहा था कि भारत देश पर यदि तुझे विजय प्राप्त करना हो तो तू प्राप्त करना, लेकिन भारत देश छोड़ने से पहले तू एक बार अवश्य नालंदा गुरुकुल की यात्रा करके आना। और तब सिकंदर कहता है अपने गुरु जी से कि गुरु जी आपने मुझे नालंदा की यात्रा करने को जो कहा वो आपका अद्भुत आशय था, मेरे पीछे आप क्या सिंचित करना चाहते थे, संचित करना चाहते थे वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपकी दीर्घ दृष्टि को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, ऐसा विश्व विजेता सिकंदर कहता है अपने गुरु को। तो गुरु शिष्य संबंध ने जो समाज को दिया है वो और किसी संबंध ने नहीं दिया है, क्योंकि पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, माता पुत्र हो, भाई बहन हो, ये जो कुछ भी देते हैं वो अपने कुटुंब परिवार तक सीमित होता है। एक गुरु ऐसा होता है जो अपने कुटुंब परिवार को न देते हुए पूरे समाज में जाकर विद्या की जो व्याप्ति करने वाला है, ख्याति करने वाला है, विद्या को संक्रमित करने वाला है, ऐसे अपने शिष्य को ही ये सारी विद्या देता है। एक यही संबंध ऐसा है कि जिसमें पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव होता है। माता पिता भी अपने पुत्र को बड़ा करता है तो वो जानते हैं कि ये पुत्र आगे जाके मेरे वृद्धावस्था की लकड़ी है, लाठी है, मेरा आधार है। लेकिन आज तक किसी गुरु ने यह नहीं सोचा है कि ये शिष्य, ये छात्र मुझसे पढ़कर जा रहा है, लेकिन यदि वृद्धावस्था में मेरे पास कोई नहीं रहेगा तो क्या वो आकर मेरी सेवा करेगा, ऐसा गुरु नहीं सोचता है, फिर भी अपने छात्र को, अपने शिष्य को सब कुछ दे देता है। यह निस्वार्थ संबंध है, निस्वार्थ संबंध की यह मिसाल है। रामायण में आप जाएंगे तो भगवान राम विविध अनेक ऋषियों के आश्रम में जाकर बहुत सारी विद्याएं पाते हैं, बदले में राम ने क्या दिया उनको, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, ईश्वर माने भगवान श्री राम को तो हम अवश्य कह सकते हैं कि वो सारे ऋषि ऐसा कहते थे कि हमारी तपश्चर्या का फल मिला कि आज स्वयं श्री राम हमारे यहाँ आए। भगवान के रूप में यदि हम राम को देखते हैं तो ऋषि मुनि को इतना एहसास अवश्य होता है कि हमें भगवान श्री राम के दर्शन, स्वयं राम चलकर हमारी कुटिया पर आए और हमें दर्शन दिए, इतना कह सकते हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी हम केवल एक मनुष्य अवतार के रूप में देखें और उनका वन गमन का पूरा वृत्तांत हम पढ़े और वन में जाकर ऋषियों के पास जाकर भगवान श्री राम ने जो कुछ भी पढ़ा है इस इतिहास को, तो पता चलता है कि राम ने ऋषियों को कुछ नहीं दिया है, ऋषियों ने भगवान श्री राम को बहुत कुछ दिया है। अब उसके ऋषि के पास वो गए और उनको एक स्तोत्र दिया, जो राम रावण के पास युद्ध करने के लिए जाना था तब क्या देते थे, आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान श्री राम को कौन देता है, एक ऋषि संस्कृति देती है। क्यों देते हैं, शिष्य की सत्पात्रता है, गुरु और शिष्य का एक संबंध है, विश्व का कल्याण छिपा हुआ है, भगवान की एक जो एक शाश्वत प्रतिज्ञा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्, यह परमात्मा की प्रतिज्ञा अवश्य है, लेकिन इस प्रतिज्ञा को भी सार्थक करने में, सफल करने में कहीं ना कहीं पीछे गुरु खड़े हैं, कहीं पीछे गुरु खड़े हैं। भगवान राम के पीछे गुरु खड़े न होते, भगवान कृष्ण के पीछे गुरु खड़े न होते तो ये राम और कृष्ण इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा न करते, प्रतिज्ञा के कारण। एक और वृत्तांत हम देखे तो हमें पता चलता है कि जांबुवान जी भी हनुमान जी के पास जो ज्ञान पड़ा है, जो शक्ति पड़ी है, गुरु का कार्य क्या है, गुरु शिष्य संबंध में गुरु होता है, चारों वेद पढ़ा देने हैं, चतुर्दश विद्या देना है, सब पढ़ा देना है, नहीं, उस छात्र में, उस शिष्य में जो भी शक्ति पड़ी है केवल उस शक्ति का बोध कराना है। गुरु केवल एक दर्पण है, आईना है, जो अपने छात्र के सामने ले जाकर कहता है ये तेरी क्षमता है, ये तेरी शक्ति है, तू कर सकता है। जांबुवन जी ने यह किया हनुमान जी के लिए। रावण रामायण का एक पात्र है, लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर हम रावण पर अधिक कुछ न कह सकते हैं, और इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि रावण के पास ऐसा कोई समर्थ गुरु नहीं था। हालांकि समझाने वाले बहुत लोग थे,
समझाने वाले बहुत लोग थे। प्रेरक सूचकश्चैव दर्शक पाठकस्त था, शिक्षको बोधकश्चैव षडैते गुरव स्मृता। इस श्लोक को ध्यान में रखे तो हम कह सकते हैं कि रावण को भी बहुत सारे गुरु मिले थे, कोई ना कोई प्रेरणा देने वाले, कोई बोध कराने वाले, कोई सूचना देने वाला, इस रूप में बहुत सारे गुरु मिले थे रावण को भी। लेकिन गुरु उसी को कहते हैं जो अध्यात्म विद्या पढ़ाए, जन्म मृत्यु के चक्र में से मुक्त हो ऐसी विद्या पढ़ाए, उसी को गुरु कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ना, हालांकि ये सारी विद्या ही संस्कृत से ही निकली है, लेकिन इसे अपरा विद्या कहते हैं, परा विद्या नहीं कहते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र में से छूट जाना, व्यक्ति को अपने आप का बोध हो जाना, वो कौन है वो जान लेना, कस्त्वम कोहम कुता आयात कामे जननी को मे तात, जगद्गुरु आदि शंकराचार्य का यह जो वचन है, इस वचन को पूर्ण रूप से समझ लेना, यह कार्य होता है पढ़ाना। और गुरु का कार्य केवल इतना है कि वो अपने छात्र को इस बात का वो बोध करा सके कि तुझ में यह शक्ति निहित है, तू इस कारण पृथ्वी पर आया है, तू यह कर सकता है और तुझे यह करना है और समाज को इतना कुछ देकर तुझे जाना है। गुरु अपने छात्र को, अपने शिष्य को देता है, लेकिन जब सामने लेने की बात आती है, क्योंकि रामायण में ही आता है, रघुवंश में महाकवि कालिदास कहते हैं कौत्स और वरतंतु का प्रसंग है जिसमें वरतंतु गुरु है और कौत्स शिष्य है, तो कौत्स शिष्य को गुरु जी ने, वरतंतु ने चतुर्दश विद्या पढ़ा दी, हालांकि प्रसंग अति प्रसिद्ध है, लेकिन हमें यह समझना है, क्या समझना है कि कौत्स ने जब हट करके गुरु जी से कहा कि गुरु जी मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, हालांकि इस समय में भी, वर्तमान में भी हमारी यह परंपरा रही है, गुरु पूर्णिमा आती है तो छात्र आते हैं और गुरु जी को कुछ गुरु दक्षिणा देते हैं, हमारी परंपरा रही है। लेकिन वो कौत्स जब कहता है कि गुरु जी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, तो वर्तन तो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो तू पढ़ा है उसी का तू प्रचार प्रसार करना, इतना ही कहते हैं। और कहने के बाद यह समझते हैं, क्या समझते हैं कि मेरा शिष्य जो है इस विद्या का व्याप बढ़ाए, समाज में जाकर, जगत में जाकर मुझसे जो विद्या प्राप्त की है उस विद्या का वो व्याप बढ़ाए। लेकिन कौत्स फिर भी हट कर बैठता है, रघुकुल के में जाता है, स्वयं राजा रघु से मिलता है और उनके पास से वो सोना मोहर सब लाकर अपने गुरु जी को देने के लिए वो उद्युक्त होता है, लेकिन वर्तन्तु गुरु कुछ देना नहीं चाहते हैं, क्यों, सोना मोहर क्या करनी है उनको, आप गुरु जी से जो विद्या प्राप्त करते हैं उस विद्या के बदले में आप त्रिभुवन सुख, इस पृथ्वी पर जितना भी धन धान्य है वो सारा धन धान्य आप गुरु जी के चरण में जाकर रख दोगे तो भी आपको लगे कि भाई मैंने गुरु दक्षिणा दे दी, तो ये आपका मिथ्या भ्रम है, कुछ नहीं दे सकते आप, नहीं दे सकते, ऐसा नहीं, मैं भी कुछ नहीं दे सकता, हाँ हम दे सकते हैं तो केवल इतना दे सकते हैं कि हमने हमारे गुरु जी से जितना जो कुछ भी पाया है उतना ही हम कुछ अच्छी तरह से किसी को देकर जाए, बस दे सकते हैं तो केवल इतना दे सकते हैं। और इसी के कारण आज हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण आज भी जीवंत है, भगवद गीता और रामायण जैसे ग्रंथ आज भी समाज में है, इसका कारण यही है, निस्वार्थ भाव से गुरु जी से पढ़ी हुई विद्या आगे जाके अगली पीढ़ी को देकर जाना है, यह परंपरा के कारण, यह गुरु शिष्य संबंध के कारण आज शास्त्र जीवंत है, हम यहाँ तक कह सकते हैं, हालांकि इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कह सकते हैं, आप इनवर्टेड कॉमा में ये वाक्य ले सकते हैं, अंडरलाइन करके ये वाक्य ले सकते हैं, अधोरेखा करके आप ये वाक्य ले सकते हैं कि गुरु शिष्य संबंध ने समाज को शास्त्र दिए हैं, शास्त्र की परंपरा को जीवंत रखा है और इसके पीछे केवल गुरु शिष्य संबंध है, हमें केवल इतना समझना है, गुरु शिष्य संबंध के कारण यह सब कुछ है। तो वाल्मीकि रामायण में वैसे तो बुद्ध कौशिक मुनि भी आते हैं, आप बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक की जो भी यात्रा करेंगे उस यात्रा में आपको केवल गुरु शिष्य संबंध को ध्यान में रखकर रामायण को देखना हो तो वाल्मीकि जी और भरद्वाज आएंगे, वाल्मीकि जी और लवकुश आएंगे, वशिष्ठ ऋषि और पूरा रघुवंश आएगा, विश्वामित्र ऋषि और पूरा रघुवंश आएगा, जांबुवन जी और हनुमान जी आएंगे,
और एक महत्वपूर्ण संबंध आता है मतंग ऋषि का और शबरी का, अद्भुत। अरण्य कांड का यह गुरु शिष्य संबंध अद्भुत है। आप वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शबरी भील जाति में जिसका जन्म हुआ है, वो शबरी भारतीय सनातन संस्कृति की सेवा करना चाहती है और ऋषि मुनियों की सेवा करना चाहती है। मध्य रात्रि को वो ऋषियों के आश्रम में जाकर पूरा आश्रम अच्छी तरह से स्वच्छ करके, अच्छी तरह से उसको सजा धजा के ब्रह्म मुहूर्त होते ही वो निकल जाती है। हालांकि उस आश्रम में रहने वाले मतंग ऋषि के साथ बहुत सारे उनके शिष्य थे, उन सारे शिष्यों को आश्चर्य होता है कि हर रोज रात में यहाँ आकर कौन इतना अच्छा स्वच्छता का पूरा कार्य करके चला जाता है, पता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में एक बार रात्रि को कोई द्वारपाल के रूप में बैठता है, तब जाके पता चलता है कि ये शबरी है। सुबह में पकड़कर उसको लाते हैं गुरुजी के समक्ष, भील जाति की थी। तो गुरुजी ने वो शबरी जो है वो वास्तविक बता देती कि भाई मैं भील जाति से हूँ, ऋषि संस्कृति की और शास्त्रों की सेवा करना चाहती थी और निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहती, और कुछ नहीं है आशय, और कुछ आशय नहीं है मेरा। मतंग ऋषि उनके गुरु होते हैं, शबरी के गुरु बनते हैं। शबरी को कहते हैं, अब तुझे डर कर इस आश्रम की सेवा नहीं करनी है, सूर्य साक्षी में भी तू इस आश्रम की सेवा कर सकेगी। आप एक बार रामायण उठा के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उस समय बहुत सारे ऋषि मुनियों ने मतंग ऋषि का भी बहुत बड़ा विरोध किया है। क्या आप ऐसी स्त्री को अपने आश्रम में स्थान देते हो? मतंग ऋषि ने कहा, जिनको इस आश्रम में रहना हो वो रह सकता है, जाना हो वो जा सकता है, शबरी यहीं रहेगी। और शबरी को अपनी पात्रता के हिसाब से गुरुजी की जिस तरह से शबरी ने सेवा की, गुरुजी का जाने का समय आ गया लेकिन शबरी वैसी की वैसी है। लेकिन मतंग ऋषि की सेवा करते करते मतंग ऋषि ने कहा शबरी से कि तुझे परमात्मा के दर्शन अवश्य होंगे, ये गुरु सेवा का फल है। ध्यान से सुने, स्वयं मतंग ऋषि ने सशरीर भगवान श्री राम के दर्शन नहीं किए हैं, वो मतंग ऋषि अपने देह त्याग करके वो जा रहे हैं, लेकिन शबरी को कह रहे हैं, अपने शिष्य को, अपनी शिष्या को कह रहे हैं, अपने शिष्य को कह रहे हैं कि तुझे अवश्य भगवान श्री राम यहाँ आके तुझे मिलेंगे, दर्शन देंगे। वृद्धावस्था हो गई, जीर्ण शीर्ण अवस्था हो गई, और फिर भी शबरी का मतंग ऋषि के प्रति, अपने गुरु के प्रति जो आत्मविश्वास है, वो आत्मविश्वास अद्भुत है। यह गुरु शिष्य संबंध है जिसमें अहम कड़ी, महत्वपूर्ण शब्द यदि कोई है तो वो विश्वास, और दूसरा श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास यह दो शब्द हो तो अद्भुत गुरु शिष्य परंपरा का यह चक्र चलता रहता है। यहां भी शबरी ने पतंग ऋषि की इतनी सेवा की, पतंग ऋषि तो चले गए लेकिन उनसे उन्होंने आश्वासन ले लिया और भगवान श्री राम स्वयं चलकर उनके पास आए। न केवल चलकर आए, भगवान श्री राम आए, आने के बाद नवदा भक्ति का ज्ञान स्वयं भगवान श्री राम ने शबरी को दिया। भगवान राम के दर्शन हो यही बड़ी बात है, लेकिन आने के बाद भी वो पढ़ाए, विद्या संक्रमित करे। आप कल्पना तो करें कि परमात्मा ने हमें दर्शन दिया, इतनी हम कल्पना भी करें तो भी हम डगमगा जाते हैं कि हमें और परमात्मा दर्शन दे सकता है। यहाँ तो स्वयं परमात्मा आते हैं और आने के बाद पढ़ाते भी हैं, नवदा भक्ति का ज्ञान भी देते हैं। तो रामायण में गुरु शिष्य संबंध में ये मतंग और शबरी ऋषि का, शबरी माता का, मतंग ऋषि और शबरी मैया का यह जो एक गुरु शिष्य संबंध है वो अद्भुत है। हमें यह कहते हुए अत्यंत रोमांच हो रहा है। हालांकि ऐसे संबंध निभाने में बहुत बड़ी परीक्षाएं भी हो जाती है, बहुत बड़ी हिम्मत करने की भी आवश्यकता होती है, लेकिन मतंग ऋषि ने हिम्मत की। मतंग ऋषि ने यह शबरी में पात्रता देखी, शबरी ने भी मतंग ऋषि में अपनी इतनी बड़ी श्रद्धा लगाए रखी, स्वयं श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके आश्रम तक, उनकी कुटिया तक दौड़े चले आए।
यह भी एक अद्भुत संबंध है। श्रीमद् भागवत महापुराण के नवमे स्कंद में, 10वें और 11वें अध्याय में, दो ही अध्याय में पूरी राम कथा आ जाती है, लेकिन उसमें से केवल एक श्लोक समझने जैसा है। हालांकि अभी पूरा श्लोक समझने का तो समय नहीं है, लेकिन एक बात समझने जैसी उसमें से, गुरु थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पदभ्याम प्रिया है। और इस पूरे चरण में भी केवल इतना ही समझना है, गुरुवर थे त्यक्त राज्य, भगवान श्री राम ने गुरु के लिए राज्य छोड़ दिया। गुरु शब्द का अर्थ केवल हम जिसके पास विद्या ग्रहण करते हैं वो ही नहीं है, हमारे बुजुर्ग माता पिता भी गुरु की कोटि में ही आते हैं, माता पिता को भी गुरु कहते हैं। यहाँ गुरुवर थे त्यक्त राज्य ऐसा जो कहा है ना, वो तीन संदर्भ में कहा है। गुरु माने दशरथ राजा का वचन पालन करना था, करवाना था, इसलिए राम ने राज्य छोड़ दिया। कैकेयी माता का वचन भी मिथ्या ना हो, गुरु के रूप में माता कैकेयी को भी हम ले, उन्होंने राज्य छोड़ दिया। वशिष्ठ ऋषि के पास वो बाल्यावस्था में पूरा अपना राज्य छोड़कर भगवान श्री राम चले गए, गुरुवर थे त्यक्त राज्य। विश्वामित्र ऋषि मांगने आए तो विश्वामित्र ऋषि के साथ भी उन्होंने राज्य छोड़ दिया, चले गए। धर्म की स्थापना करनी थी, अधर्म का नाश करना था, साधु संतों महात्माओं की रक्षा करनी थी, रावण जैसे दैत्य को परम गति देनी थी, इस आशय से भी भगवान श्री राम ने अयोध्या का राज्य छोड़ दिया। गुरुवर थे त्यक्त राज्य। इस विषय पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, इस श्लोक का संदर्भ लेकर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि गुरु के लिए यदि सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ने की हमारे पास तैयारी हो, तो ही आप इस परंपरा से, इस संबंध को अच्छी तरह से निभा सकते हैं। और वो भगवान राम ने करके दिखाया। गुरुवर थे त्यक्त राज्य व्यतर धनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाय, अपनी पत्नी के साथ, अपनी प्रिया के साथ, अपनी प्रियतमा के साथ, अपने अनुज के साथ वो निकल गए तो निकल गए। संबंध निभाने में लेट गो करना, छोड़ना, यही सबसे बड़ा अहम फैसला होता है, अहम पड़ी होती है, अहम कार्य होता है, सबसे बड़ा कार्य होता है कि जिसमें छोड़ना, इट्स ओके। नारद भक्ति सूत्र का एक सूत्र याद करें तो उसमें कहते हैं तत्सुखे सुखित, उसके सुख में अपना सुख हो। गुरु सोचता है मेरा शिष्य सुखी तो मैं सुखी, शिष्य सोचता है मेरे गुरु सुखी तो मैं सुखी, और ये दोनों एक दूसरे को सुखी रखने में पूरा संसार सुखी रहता है, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। हालांकि मुझे योग वासिष्ठ रामायण का भी एक प्रसंग अद्भुत कहना था, लेकिन अभी समय नहीं है। वो प्रसंग मुझे अद्भुत लग बहुत अच्छा लगता है। वशिष्ठ ऋषि के पास बाल्यावस्था में भगवान श्री राम जाते हैं, और वशिष्ठ और राम का संबंध, ईर्ष्या की भाषा जो समझे, गुरु शिष्य संबंध में भी ईर्ष्या की भाषा जो समझे वो शिष्य शिष्य है। हालांकि गुरु सब कुछ वैखरी वाणी में नहीं कहते हैं, कुछ परा में भी आता है, कुछ पश्यंती में भी आता है, कुछ मध्यमा में भी आता है, और इसलिए भागवत महापुराण कहता है उत्तमस्य चिन्तितम् कुर्यात्, उसी को उत्तम शिष्य कहते हैं, उसी को श्रेष्ठ छात्र कहते हैं, जो गुरु सोचता है वो तुरंत शिष्य करके बताता है कि मेरे गुरु कुछ ऐसा ही कहना चाहते होंगे, मेरे गुरु जी कुछ ऐसा ही करवाना चाहते होंगे, और मैं ये करने के लिए उद्युक्त हूँ, तैयार हूँ, समर्पित। उत्तम चिंतितम कुरिया प्रोक्तकारी तो मध्यम, गुरु कहे और शिष्य करे, ये तो मध्यम लक्षण है, मध्यम शिष्य का लक्षण है। अधम कुरिया, अधम शिष्य उसे कहते हैं जो अधमो श्रद्धया अश्रद्धया कुरिया, वो करेगा लेकिन अश्रद्धा से करेगा, करेगा अवश्य करेगा लेकिन श्रद्धा से नहीं करेगा। उत्तम शिष्य वो है वो बिना कहे करेगा, गुरु जी कह नहीं रहे हैं लेकिन मुझे समझ कर ये करना चाहिए। दूसरा मध्यम प्रोक्तिकारी तो मध्यम, कहने के बाद करे वो तो मध्यम है, अधमो श्रद्धया कुर्यात। और शास्त्र कहता है अकर तो चरितम पितुः, अकर तो चरितम गुरो हो, गुरु जी के कहने के बाद भी अश्रद्धा ये भी न करे, ऐसे शिष्य को क्या कहें। तो कहते हैं ऐसे शिष्य को कुछ कहने के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। हालांकि समय की मर्यादा हो गई है, लेकिन परमात्मा कृपा करें और कभी अवसर मिले तो आपके समक्ष योग वासिष्ठ रामायण का एक प्रसंग कभी भी, जब भी अवसर मिलेगा तभी ये अवसर परमात्मा दे, वो एक प्रसंग हम रखना चाहते हैं, ताकि पता चले कि गुरु शिष्य संबंध क्या है।
हालांकि उसमें भी ध्वनि तो यही होता है, गुरु शिष्य संबंध क्या है। कद्रु और विनीता जो सर्प की माता है और गरुड़ की माता है, इन दोनों संवाद के माध्यम से वशिष्ठ ऋषि भगवान श्री राम को बाल्यावस्था में ही पूरा वनगमन का वृत्तांत बता देते हैं, अयोध्या पर आने वाली आपत्ति का दर्शन करा देते हैं, और राम समझ जाते हैं कि कब मुझे लक्ष्मण को साथ में ले जाना है, कब मुझे भरत को अयोध्या में ही रखना है, शत्रुघ्न को भरत की सेवा में रखना है। इस पूरे वृत्तांत का संक्षिप्त में चित्रण बाल्यावस्था में वशिष्ठ ऋषि पढ़ा देते हैं भगवान श्री राम को। तो ये गुरु होते हैं कि जो अपने शिष्य को भविष्य दर्शन करा दे। द्रोणाचार्य भी अर्जुन को वो परीक्षा लेते थे गुरुकुल में, और वो पक्षी की आंख को बींधना था, वध करना था, ये केवल वहां तक सीमित नहीं था। द्रोणाचार्य जानते थे कि मेरे शिष्य अर्जुन को आगे जाके उस मछली की आंख को भी उसका लक्ष्य भेद करके द्रौपदी को प्राप्त करवाना है। तो गुरु ये होते हैं जो अपने शिष्य के पास उसके भविष्य की चिंता करते हुए वो परीक्षा लेते हैं, और इस तरह से पूरा अभ्यासक्रम तैयार करते हैं। ऐसी परंपरा हमारी इस गुरु शिष्य परंपरा में रही है, आज तक रही है। तो भगवान शंकर भी माता पार्वती को पढ़ाते थे, वो भी गुरु शिष्य परंपरा है, और आज हम भी पढ़ रहे हैं। लेकिन बीच में एक जगत गुरु आदि शंकराचार्य आकर इस गुरु शिष्य परंपरा का और इस गुरु शिष्य संबंध का अत्यद्भुत महत्व बढ़ाकर चले गए हैं। केवल हमें इस परंपरा को जीवंत रखना है, निस्वार्थ भाव से गुरु जी की सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव से गुरु जी को भी अपने शिष्य को पढ़ाते रहना है, और इस विद्या को संक्रमित करते रहना है, और इस संबंध को केवल परोपकार की भावना से, सृष्टि पर उपकार करने की भावना से, स्वार्थ भावना का त्याग करके हमें इस बात को समझना है और जगत को देकर जाना है। इतना ही कहते हुए आज के इस सत्र को मैं यही विराम देता हूँ। आप सबने शांति से और धैर्य से मुझे सुना, मैं आपका ऋणी रहूंगा, और इस अवसर प्रदान करने के लिए मैं आयोजकों का और संयोजकों का भी मैं कृतज्ञ भाव व्यक्त करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। नमो नमः, भवद्भ्यः शान्त्या श्रुतः, तदर्थं धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु सोमनाथः। धन्यवाद माननीय पंकज महाभागः। भवद्भिः अयम् अत्यन्तं महत्वपूर्णः विषयः अत्र अत्यन्तं सरलरीत्या प्रस्तुतः वर्तते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और बड़ा अद्भुत विषय आपने लिया, क्योंकि गुरु सर्वदा अपने शिष्य का हित ही करता है, और उनके चरणों में समर्पण कर देने के बाद ही आगे का मार्ग गुरु स्वयं उस मार्ग को साफ करते रहते हैं। अर्जुन ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान सुनाकर उनका मोह और अज्ञान नष्ट कर दिया, है ना। और उसी तरह से उद्धव को जब अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था तो भगवान कृष्ण ने उनको गोपियों के पास में भेजकर भक्ति और समर्पण की शक्ति का महत्व समझाया। तो वाल्मीकि रामायण में भी ऐसे बहुत प्रसंग आते हैं। आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रसंगों का आज हमें श्रवण कराया, और ये जो विषय है गुरु और शिष्य की परंपरा का, जो एक उदात्त चरित्र, उदात्त वर्णन हमारी भारतीय संस्कृति में हुआ है, और ऐसे ऐसे अद्भुत अद्वितीय गुरु और शिष्य के जो उदाहरण मिलते हैं, उद्दालक का हो, प्यारुणी का हो, उपमन्यु का हो, जो गुरु शिष्य, जो गुरु के प्रति एक जो समर्पण भाव है उसका बेजोड़ और ऐसा कहीं उदाहरण और कहीं किसी कहीं नहीं मिलता है। बहुत अच्छा ये व्याख्यान रहा, हम सभी लाभान्वित रहे। आपका मैं विश्वविद्यालय की तरफ से और इस कार्यक्रम के संयोजक होने के नाते मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। हमारे सभी प्रतिभागी भी इसमें बड़े श्रद्धा से इस विषय को सुन रहे थे, सभी प्रतिभागियों का भी हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, और पूर्णता मंत्र के साथ में हम इस व्याख्यान का यहाँ समापन करते हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ में, कल हमारे माननीय कुलपति महोदय, बड़ा एक अद्भुत विषय रहेगा उनका, राम राज्य की अवधारणा, तो उस विषय पर उनका व्याख्यान रहेगा। आप सभी समय पर सभी प्रतिभागी उपस्थित रहें, ये एक सूचना है। अभी हम पूर्णता मंत्र से इस व्याख्यान का समापन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अस्तु सर्वेभ्यो जयतु सोमनाथः, जयतु संस्कृतम्।